हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वाले लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि प्रतिरोध जो होता है उसका मान हम कलर कोड टेबल से या वर्ण कोड टेबल से किस प्रकार ज्ञात करते हैं, प्रतिरोध कितने प्रकार के होते हैं, कौन सा प्रतिरोध उनमें से जो है हम इलेक्ट्रॉनिक की युक्तियों के अंदर अधिकतर से काम में लेते हैं। और एक आर्टिकल मैंने दिखाया था कि प्रतिरोध एवं प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव, आर्टिकल था प्रतिरोध एवं प्रतिरोधकता पर, एवं प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव, ताप का प्रभाव। ठीक है, प्रतिरोध एवं प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव। तो ये प्रभाव हम चालक पदार्थों पर, कुचालक पदार्थों पर और अर्धचालक पदार्थों पर कैसे होता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहले नंबर पे हम लेते हैं चालक पदार्थों, चालक पदार्थों के प्रतिरोध एवं प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव, ताप का प्रभाव। ठीक है, इसे समझने के लिए हम जो सूत्र आया था हमारे पास में V अपॉन I, सैद्धांतिक सत्यापन में जिसको हम R कहते हैं, और L M अपॉन में A N E स्क्वायर टो, और इस चीज को हम रो कहते हैं, तो रो एल अपॉन ए, ये हमारे पास में फॉर्मूला है जिसके बेस के ऊपर हम इस रो की ताप पर निर्भरता, रो क्या है एम अपॉन में एन स्क्वायर टू, और आर क्या चीज है, आर है रो एल अपॉन में ए। इन फॉर्मूलों की मदद से हम चालकों के कि प्रतिरोध एवं प्रतिरोधकता पर ताप के प्रभाव को समझा सकते हैं। ठीक है, कैसे देखिए, जब हम किसी चालक का ताप बढ़ाते हैं तो चालक जो है वो ये इस तरीके से, उसके अंदर पॉजिटिव जो आयन है वो अपनी जगह फिक्स है, और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इसके आउटर मोस्ट में है, और जैसे ही हम इसको किसी बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो उस केस में ये इलेक्ट्रॉन जो है वो आगे की ओर मूव करते हैं, लेकिन ये जब आगे की तरफ चलते हैं तो उस केस में जो है ये जो पॉजिटिव आयन है इनका इफेक्ट जो है इनके ऊपर पड़ता है, जिससे कुछ मोमेंट के लिए एक कॉलिजन, एक टक्कर होती है, और ये जो टक्कर में जो टाइम लिया जाता है दो क्रमागत टक्करों के अंदर, उसे हम विश्रांति काल टो कहते हैं। ठीक है, लेकिन जैसे ही ताप बढ़ाएंगे, ताप बढ़ाने पर जो ये आयन हैं, ये आयन वाइब्रेशन में आ जाएंगे, कंपन करने लग जाएंगे, और जब ये कंपन करेंगे तो फिर दो क्रमागत आयनों के बीच में, दो क्रमागत जो टक्कर है, दो क्रमागत टक्करों के बीच में लगने वाला समय कम हो जाएगा, क्यों, कोई ना कोई आयन जो है वो बार बार जो है इलेक्ट्रॉन के पथ में आएगा वाइब्रेट होता हुआ। तो फिर ऐसी सिचुएशन में पहले जितनी वाइब्रेशन नहीं थी, इसलिए दो क्रमागत टक्करों में लिया गया जो समय था, औसत समय था, वो ज्यादा था, लेकिन वाइब्रेशन होने से ये समय का मान कम हो गया। जब टो का मान यहाँ कम हो गया तो फिर यहाँ ये प्रतिरोधकता जो है वो बढ़ गई। तो फिर हम कह सकते हैं कि जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, तो रो की वैल्यू कम हो जाती है, क्योंकि वाइब्रेशन के कारण दो क्रमागत टक्करों में लिया गया औसत समय कम हो जाता है, क्योंकि कोई ना कोई पथ के अंदर बार बार जो है वाइब्रेशन में आता रहेगा, जिससे समय का मान जो है वो कम हो जाएगा दो क्रमागत टक्करों के बीच में। जब टो का मान कम हो जाएगा तो रो का मान आपके पास में जो है वो, जब टो का मान, जब टेम्परेचर बढ़ता है, तो फिर यहां हम कैसे सिस्टमेटिक तरीके से इसको समझ सकते हैं, एक बार फिर से आइए, जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तब विश्रांति काल टो की वैल्यू कम हो जाती है वाइब्रेशन के कारण, और जब टो की वैल्यू कम हो जाती है तो रो की वैल्यू बढ़ जाती है,
तो रो की वैल्यू बढ़ जाती है, और जब रो की वैल्यू बढ़ जाती है तो इस फॉर्मूले से फिर आर की वैल्यू भी बढ़ जाती है, तो आर की वैल्यू भी बढ़ जाती है। तो एक बार फिर से मैं इस चेन को आपको बता रहा हूं, ध्यान देना। क्या जब किसी चालक का टेम्परेचर बढ़ता है तब विश्रांति काल कम हो जाता है, ठीक है? टेम्परेचर बढ़ता है तो विश्रांति काल कम हो जाता है, और विश्रांति काल कम होता है तब इस फॉर्मूले से रो बढ़ता है, तो रो बढ़ता है, और जब रो बढ़ता है तो इस फॉर्मूले से आर भी बढ़ता है। तो फिर इनडायरेक्ट वे में कैसे कहेंगे? देखिए, जब टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो फिर प्रतिरोध भी बढ़ता है, और जब प्रतिरोधकता भी बढ़ती है तो फिर हम ये कह सकते हैं इनडायरेक्ट वे में, इसके बीच को हम टर्मिनेट कर दें, हटा दें, तो हम यही कहेंगे कि टी बढ़ने पर क्या रो बढ़ता है, और रो बढ़ने पर हमारे पास में प्रतिरोध आर भी बढ़ता है। तो ये हमारे पास में प्रतिरोध एवं प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव हो गया। तो अब हम इसे लिख लेते हैं, ये अंडरस्टैंड हो गया। तो कैसे हम इस बात को पूरा करेंगे? आइए, प्रतिरोध एवं प्रतिरोधकता पर प्रभाव, तो चालकों की बात चल रही है, पहले हम इसको क्लियर कर देते हैं। देखिए, जब किसी चालक के ताप में वृद्धि की जाती है, वृद्धि की जाती है, जब किसी चालक के ताप में वृद्धि की जाती है तब तब चालक में आयनों वह इलेक्ट्रॉनों इलेक्ट्रॉनों की तापीय ऊर्जा के कारण कंपन गति होने लगती है, कंपन गति होने लगती है, जिससे विश्रांति काल, जिससे विश्रांति काल तो के मान में कमी आ जाती है, कमी आ जाती है, जिससे चालक की प्रतिरोधकता, चालक की प्रतिरोधकता रो बराबर एम अपॉन एन ई स्क्वायर टो कम हो गया तो रो बढ़ गया में वृद्धि होती है, साथ ही चालक के प्रतिरोध, चालक के प्रतिरोध आर बराबर रो एल अपॉन ए, तो जब रो बढ़ेगा तो आर ही बढ़ेगा, चालक के प्रतिरोध में भी वृद्धि होती है, होती है। अतः अब कहने की स्थिति में है, अतः चालक के ताप में वृद्धि करने से प्रतिरोधकता एवं प्रतिरोधकता एवं प्रतिरोध दोनों में ही वृद्धि होती है,
दोनों में ही वृद्धि होती है। ये हमारा एक्सप्लेनेशन हो गया। क्या प्रभाव पड़ेगा? चालक पदार्थों की प्रतिरोधकता एवं प्रतिरोध बल, यदि हम चालक के प्रतिरोध में बढ़ोतरी करते हैं। अब हम यहां पर एक बात देखेंगे, धातुओं के लिए प्रतिरोधकता एवं ताप के मध्य आलेख खींचा जाए तो लगभग एक सरल रेखा प्राप्त होती है, किंतु एक बात यहां पर है कि जब टेम्परेचर कम होता है तब ये थोड़ी सरल रेखा विचलित हो जाती है। तो फिर यहां हम, ये आपने नोट कर लिया होगा, इससे जस्ट आगे की बात हम यहां कहने जा रहे हैं कि एक तो यहां पर मैंने बताया कि धातुओं के लिए, धातुओं के लिए जो प्रतिरोधकता ताप ग्राफ है वो लगभग आपके पास में सरल रेखीय प्राप्त होती है। ठीक, लेकिन न्यून ताप के ऊपर थोड़ा सा के विचलन होता है। तो यहां लिख रहे हैं न्यून ताप पर, न्यून ताप पर चालक की प्रतिरोधकता ताप चालक की प्रतिरोधकता रोट व ताप के मध्य ग्राफीय निरूपण। लेकिन अल्प ताप पर तो ये हम ग्राफीय निरूपण कैसे करें? ये हमारे पास में एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये रो, और ये टेम्परेचर टी केल्विन में, ये ओम मीटर। तो यहां आपके पास में ये जो ग्राफ आती है वो थोड़ी सरल रेखा से विचलित आती है न्यून ताप पर। तो इस तरीके से जो हम ये ग्राफीय निरूपण हम कर सकते हैं धातुओं के न्यून ताप। लेकिन वही रो टी ग्राफ किस पर? उच्च ताप पर। यहां भी विचलन देखें, यहां उच्च ताप पर, तो फिर यहां देखते हैं कि क्या रहता है। तो ये जो हमारे पास में ग्राफ आती है वो ग्राफ इस पैटर्न की होती है। ये रो और मीटर और ये टेम्परेचर टी केल्विन, तो ये न्यून अल्पताप पर हो गई धातुओं के लिए, ये उच्च ताप पर हो गई। तो ये ग्राफीय निरूपण भी आप नोट कर सकते हैं कि जो है किस तरीके से जो है हम रो और टी वक्र खींच सकते हैं। तो फिर यहां से हमें एक संबंध जो है वो डायरेक्ट भी उत्पन्न करना है, यहां रो की जो है निर्भरता वो टेम्परेचर पर है, तो वो हमारे पास में रिलेशन क्या होगा? अभी तो हम ये जो बात कह रहे थे वो कह रहे थे किसके थ्रू? विश्रांति काल के थ्रू। लेकिन वो डायरेक्ट संबंध क्या है जो प्रतिरोधकता का ताप के साथ हो सकता है? तो फिर यहां हम एक इंपॉर्टेंट बात लिखेंगे, वो क्या है? देखिए, चालक पदार्थों के लिए प्रतिरोधकता
रो प्रतिरोधकता, ताप संबंध, प्रतिरोधकता ताप संबंध, या फिर हम ये कह सकते हैं कि प्रतिरोध ताप संबंध, ताप संबंध। निम्न सूत्रानुसार, निम्न सूत्रानुसार दर्शा सकते हैं। कैसे? इलेवेंथ में एक उसमें प्रसार का चैप्टर था, उसके अंदर हमारे पास में ये कोई वायर है जिसकी लंबाई जो है प्रारंभिक एल नॉट है, लेकिन जब हमने इसका ताप बढ़ाया तो इसकी लंबाई जो है वो बढ़ गई। तो ये लंबाई एल नॉट थी, लेकिन ये लंबाई उसकी एल टी हो गई थी। टी टाप के ऊपर लंबाई में बढ़ोतरी कितनी है? लंबाई में जो बढ़ोतरी हुई वो डेल्टा एल हुई, ठीक है। कितना ताप बढ़ाने पर हुई? टी ताप बढ़ाने पर हुई। तो फिर मैं ये कहूंगी जो चाल जो हमारे पास में ये कोई जो पदार्थ है इसका ताप बढ़ाते हैं, तो फिर ये जो प्रसार होता है, लंबाई बढ़ती है, जिसको हम रैखिक प्रसार कहते हैं, ये जो लंबाई में परिवर्तन डेल्टा एल है, ये इसकी प्रारंभिक लंबाई के समानुपाती है। अर्थात ज्यादा लंबा तार लोगे और ताप बढ़ाओगे तो ज्यादा लंबाई बढ़ेगी, ज्यादा फैलेगा, तो डेल्टा एल समानुपाती है। तो फिर हम ये भी कह सकते हैं कि डेल्टा एल समानुपाती जो है वो टेम्परेचर, जितना टेम्परेचर बढ़ाओगे उतना ही ज्यादा लंबाई बढ़ेगी। ये एक नंबर बात, ये दो नंबर बात, इन दोनों को एक साथ लिखें कि डेल्टा एल समानुपाती एल नॉट टी, और डेल्टा एल इक्वल अल्फा एल नॉट टी, और इसे कहते हैं रैखिक प्रसार गुणांक। लेकिन डेल्टा एल क्या थी? डेल्टा एल है एल टी में से एल नोट घटाओ, परिवर्तन कितना होगा, फिर अल्फा एल नोट टी, तो फिर एल टी लिखोगे तो एल नोट प्लस में अल्फा एल नोट टी, और एल टी एल नोट जो है वो आ जाएगी 1 प्लस अल्फा टी। तो कहने का मतलब यहां जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो फिर ये लंबाई भी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। तो हमने इलेवेंथ में इस फॉर्मूले को पढ़ा है, वहां बात क्या कही गई थी कि टेम्परेचर बढ़ने पर लंबाई बढ़ती है, तो कौन सा पैरामीटर था वहां? लंबाई। लेकिन अब यहां हम इलेक्ट्रिसिटी में ये पढ़ रहे हैं कि जब हम चालक का टेम्परेचर बढ़ाएंगे, और जब हमने उसका ट्रेंड देख लिया, वो ट्रेंड ये देखा कि टेम्परेचर बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है, तो क्यों ना इस फार्मूले की संगतता करके और हम जो है प्रतिरोधकता और प्रतिरोध के बारे में भी लिख सकते हैं। तो फिर मैं इस फॉर्मूले को लिखना चाहूं इसी के अकॉर्डिंग, तो एल के स्थान पर कौन आ जाएगा? रो टी तो इक्वल रो नोट 1 प्लस अल्फा टी, और प्रतिरोध के संदर्भ में क्या आ जाएगा? आर टी इक्वल आर नोट 1 प्लस अल्फा टी। तो फिर इस जो हमारे पास में प्रतिरोधकता थी उसका डायरेक्ट ताप के संबंध, और जो प्रतिरोध था उसका डायरेक्ट ताप के साथ संबंध आ गया कि नहीं आ गया, ये यहां से आपको बैकग्राउंड मिलती है कि हम ये संबंध कैसे लिखेंगे। तो ये संबंध हम इस फॉर्मूले के अनुसार लिख सकते हैं। तो देखिए कैसे लिखा जाएगा। अब तो मैं यहां से मिटाता हूं इसको, तो चालक पदार्थों की प्रतिरोधकता ताप संबंध एवं प्रतिरोध संबंध निम्न प्रकार लिख सकते हैं। तो फिर प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता रो टी बराबर रो नोट 1 प्लस अल्फा टी, एवं प्रतिरोध क्या लिखें? प्रतिरोध आर बराबर आर टी बराबर आर नोट 1 प्लस अल्फा टी लिखे गए सब। तो रो टी क्या है? ताप टी पर प्रतिरोधकता, ताप टी वृद्धि पर प्रतिरोधकता, और अल्फा
प्रतिरोधकता ताप गुणांक, रो नॉट प्रारंभिक प्रतिरोधकता, इनिशियल रो नॉट प्रारंभिक प्रतिरोधकता, और टी ताप वृद्धि, और अल्फा प्रतिरोधकता ताप गुणांक, प्रतिरोधकता ताप गुणांक। इसी वे में आप यहां भी लिख सकते हो ताप टी वृद्धि पर प्रतिरोध आ जाएगा आर टी, ये आपको लिखना है। आर नॉट ये प्रारंभिक प्रतिरोध, वैसे ही टेम्परेचर टी सेम ताप वृद्धि, और वैसे अल्फा ये प्रतिरोधकता ताप गुणांक, तो ये प्रतिरोध ताप गुणांक हो जाएगा। तो इस चीज को आप नोट कर लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट बात पर आते हैं, देखिए वो क्या है। तो ये चालक पदार्थों की प्रतिरोधकता और प्रतिरोध पर ताप का प्रभाव हम यहां पढ़ चुके हैं। अब हम चाहें कि ये अल्फा क्या चीज है, तो इस अल्फा को हमने देखा कि ये प्रतिरोधकता ताप गुणांक है, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं। तो फिर नेक्स्ट बात आती है, तो प्रतिरोधकता ताप गुणांक का यहां मैं फार्मूला लिख रहा हूं, इसे रो टी इक्वल रो नॉट प्लस रो नॉट अल्फा टी, और यहां से रो नॉट अल्फा टी इक्वल रो टी माइनस रो नॉट, और आपको अल्फा की वैल्यू निकालनी है तो रो टी माइनस रो नॉट अपॉन रो नॉट इंटू में टी, ये वाली चीज इसके नीचे शिफ्ट होगी, ये अल्फा की वैल्यू आ गई हमारे पास, ठीक है। तो फिर प्रारंभिक प्रतिरोधकता पर, किसी चालक की प्रारंभिक प्रतिरोधकता पर, प्रारंभिक इकाई प्रतिरोधकता पर इकाई ताप वृद्धि करने से प्रतिरोधकता में कितना अंतर होता है उसे ही हम अल्फा कहते हैं। यदि मैं रो नोट का मान वन कर दूं और टी का मान हमारी जो है वो मैं वन कर दूं, तो उस केस में अल्फा की वैल्यू आपके पास में रो टी माइनस रो नोट हो जाएगी, ठीक है। तो फिर यहां से हम जो है इस प्रतिरोधकता ताप गुणांक को जो है वो परिभाषित कर सकते हैं, या हम ये भी कह सकते हैं कि यहां पर ये जो अल्फा है वो उसकी जो वैल्यू आएगी मेटल्स के लिए वो हमारे पास में जो है वो पॉजिटिव आएगी धातुओं के लिए। तो फिर यहां प्रतिरोधकता ताप गुणांक अल्फा बराबर, अगले वाली इंपॉर्टेंट बात है, प्रतिरोधकता ताप गुणांक अल्फा बराबर प्रतिरोधकता ताप गुणांक अल्फा क्या है, किसी चालक की प्रति इकाई प्रारंभिक प्रतिरोधकता एवं प्रति इकाई ताप वृद्धि करने पर प्रतिरोधकता में अंतर अंतर या प्रति इकाई ताप पर भिन्नात्मक प्रतिरोधकता में जो परिवर्तन है
अंतर प्रतिरोधकता ताप गुणांक होता है, ताप गुणांक होता है। अर्थात अल्फा बराबर रो टी माइनस रो नोट अपॉन में रो नोट टी। यदि रो टी इक्वल रो नोट इक्वल वन, टी इक्वल वन, तब तब अल्फा इक्वल रो टी माइनस रो नोट। ठीक, अब रही बात ये कि ये जो हमारे पास में प्रतिरोधकता में जो परिवर्तन हुआ, उस प्रतिरोधकता में जो परिवर्तन है उसको हम अल्फा कह रहे हैं। तो फिर इस अल्फा का मात्रक क्या होगा, पहले तो ये देखें। तो अल्फा का मात्रक, तो यहां हम देखेंगे ओम, क्योंकि ये डिफरेंस आएगा ये भी ओम में अपॉन में, ये ओम ओम मीटर में, ये भी ओम मीटर में, लेकिन इनटू में टेम्परेचर है तो केल्विन, ओम मीटर कैंसिल हो जाएगा। ये जो टेम्परेचर है ये टेम्परेचर डिफरेंस है, ये ताप में वृद्धि है, और ताप में वृद्धि के मामले में अंतर के मामले में डिग्री सेल्सियस और केल्विन पैमाने सेम चलेंगे। तो फिर यहां मैं पर केल्विन भी लिख सकता हूं, प्रति केल्विन, और यहां पर डिग्री सेल्सियस भी लिख सकता हूं, पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये हो गया अल्फा का मात्रक। अब धातुओं के लिए, चालकों के लिए, धातुओं के लिए, चालकों के लिए, चालकों के लिए, चालकों के लिए हम देखें तो फिर टेम्परेचर बढ़ाने पर प्रतिरोधकता बढ़ती है, तो रो टी ग्रेटर देन किससे आएगा, रो नोट से। तो रो टी ग्रेटर देन रो नोट से आएगा, तो उस केस में अल्फा की जो, अल्फा का जो साइन है वो पॉजिटिव होगा, के लिए रो टी ग्रेटर देन रो नोट, तब तब अल्फा धनात्मक होगा, पॉजिटिव होगा। तो यदि आपसे पूछ लिया जाए कि चालक पदार्थों के लिए प्रतिरोधकता ताप गुणांक कैसा होता है, तो हम कहेंगे कि धनात्मक होता है। तो फिर ये हमारे पास में जो है वो अल्फा की जो है क्या मात्रक है, कैसे परिभाषित करेंगे, और किस तरीके से उसका जो है वो मान चालक पदार्थों के लिए होता है, ये हम बता सकते हैं। अब अगले वाली बात आती है कि जो प्रतिरोधकता ताप गुणांक का जो मान है वो हमारे पास में अलग अलग पदार्थों के लिए अलग अलग होता है, लेकिन फिर भी एक अलॉय है जिसे हम मैग्नीन कहते हैं, तो उसका जो प्रतिरोधकता ताप गुणांक है वो जो है वो अल्प होता है, कम होता है, जिसका उपयोग हम जो है विभव मापी का तार बनाने में करते हैं। तो ये प्रतिरोधकता ताप गुणांक से मतलब यही है कि आपको ताप बढ़ाने पर उसका जो प्रतिरोध है या प्रतिरोधकता है वो किस हद तक बढ़ती है, उसकी माप जो है वो ये अल्फा देता है। अब इसके बाद में अगले वाली बात हमारे पास में आती है, कौन से पदार्थों के लिए, कुचालक पदार्थों के लिए। कुचालक पदार्थों की प्रतिरोधकता पर, प्रतिरोधकता एवं प्रतिरोध पर ताप का क्या प्रभाव होता है, तो फिर हम नेक्स्ट हेडिंग लिखते हैं, कौन से पदार्थों के लिए, विद्युत रोधी पदार्थों के लिए। तो फिर सेकंड, विद्युत रोधी पदार्थों की प्रतिरोधकता एवं प्रतिरोध पर ताप का प्रभाव। इनकी प्रतिरोधकता ताप बदलने से किस प्रकार बदलती है, तो यहां हम देखेंगे कि वैसा बिहेव नहीं है जैसा चालक पदार्थों के साथ बिहेव है। चालक पदार्थों की जो प्रतिरोधकता थी वो तो ताप के साथ में जो है वो बढ़ने से बढ़ती थी, लेकिन यहाँ थोड़ा सा इसका में उल्टा है कि ताप बढ़ाने पर इनकी जो प्रतिरोधकता है वो बढ़ने की बजाय घटती है,
तो किस प्रकार से वो ताप से संबंधित है, इस चीज को जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज बस इतना ही। थैंक यू।